दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल फूड टेक में। दोस्तों जैसे मैं पहले अपना परिचय दे चुका हूँ, आज इंट्रोडक्शन अपना फिर दे रहा हूँ कि मेरा नाम सुरेंद्र सिंगल है और मैंने मास्टर केमिस्ट्री में किया हुआ है और ग्रेजुएशन लॉ में किया हुआ है। दोस्तों मुझे मल्टीनेशनल कंपनी का 35 ईयर का एक्सपीरियंस है, जहाँ मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स बेवरेजेस टेस्टिंग से लेकर मैनेजमेंट किया है। दोस्तों मैं घी का एगमार केमिस्ट्री रहा हूँ और मैंने 25 साल घी की ग्रेडिंग एनालिसिस की है। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं घी का एक रिव्यू कर रहा हूँ। दोस्तों मैं जो है घी का रिव्यू कर रहा हूँ। दोस्तों मार्केट में बहुत ब्रांड्स मौजूद हैं, मल्टीपल ब्रांड्स हैं और लोकल ब्रांड्स भी हैं, जिसमें रेपुटेबल ब्रांड्स भी आती हैं और हमारी लोकल ब्रांड भी आती हैं। मैं दोस्तों क्या है कि लोग वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई उसमें प्योर लिख देगा, कोई उसमें लिखेगा 24 कैरेट गोल्ड है, कोई कह देगा कस्टमर की फर्स्ट डिमांड है। दोस्तों इन चीजों में ना पड़े। हालांकि मैं कोई इसमें लेबोरेटरी में बैठा नहीं है, नहीं कोई लेबोरेटरी में टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा टेस्ट क्या है। हमें जो है फार्म टू फॉक, मतलब जहां से हमारा कैटल खाना खाता है, कैटल फीड से लेकर और दूध की क्वालिटी और उसका घी की क्वालिटी और घी की प्रोसेसिंग क्वालिटी और पैकेजिंग सबका ध्यान रखना है, और शेल्फ लाइफ भी हमें देनी है। जब उसकी हमने रिसर्च कर रखी हो कि हमारा घी जो है, मैंने आज चैप्टर पैक लिया है कि वो घी की शेल्फ लाइफ हमें जब देनी है कि घी हमारा ये वास्तव में 1 साल या 9 महीने अच्छा रहेगा, कोई इसमें स्टिल फ्लेवर नहीं आएगी, कोई इसमें खराब नहीं होगी। क्योंकि घी बहुत दोस्तों हर घर में बहुत जरूरत की चीज है और डेली कंज्यूमिंग आइटम है, और घर में लेडीज क्या है खाली उसको देखती हैं और उसका इस्तेमाल कर देती हैं। और घी मार्केट में जो है 800 रुपये किलो से लेकर 500 रुपये तक मौजूद है। घी में एडल्ट्रेशन बहुत होता है। घी में जो है एगमार ग्रेड में क्या होता है कि उनके स्टैंडर्ड है, तो वो स्पेशल ग्रेड घी, स्टैंडर्ड ग्रेड घी, जनरल ग्रेड घी बनाते हैं। इसमें आईएसआई मार्क नहीं होता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो इसमें आईएसआई मार्क नहीं होता है। दोस्तों मैंने एक घी लिया है और घी का रिव्यू हमें दिखेगा। मैंने लिया है एक अनिक का आधा लीटर का घी का पैक। ये अनिक घी है और ये 1965 से बना रहे हैं, मतलब इनको लगभग 60 साल का घी का अनुभव है और 60 साल से घी बना रहे हैं। और ये इनकी कोटिंग है, कोटिंग के हिसाब से इन्होंने जो है यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेट्रा पैक की 1 साल दी है, बाकी सब इनके FSSAI नॉर्म लग रहे हैं। मुझे ऐसा कोई नहीं पता लग रहा कि घी काऊ का है या बफेलो का है। मैं घी को काट के एवैल्यूएशन करता हूँ और मैं घी काट रहा हूँ। पैकिंग अट्रैक्टिव है, देखने में अच्छी लग रही है और अंदर जो है एल्यूमिनियम फॉइल का पाउच निकला है, और ये भी मुझे प्योर लग रहा है कि ये अनेक घी है, इस पूरे पैक नहीं है। इसको काटता हूँ और आपको बताता हूँ घी का एवोल्यूशन क्या है। घी को मैं काट रहा हूँ। दोस्तों जो है घी आजकल बहुत ही एडल्ट्रेशन आ रहा है और घी की प्योरिटी चेक करना एक बहुत डिफिकल्ट काम हो गया है। प्योर तो आजकल आदमी घर का घी प्योर हो सकता है जो अपने सामने डेयरी से लाए, और ये घी जो है पेयर येलो निकला है और ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है, इसमें क्रिस्टल भी अच्छे नहीं है, क्रिस्टलाइन नहीं है, ये सेमी सॉलिड फॉर्म है। और घी में एरोमा गुड एरोमा है, अच्छी एरोमा है, और टेक्सचर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और घी खाने में जो है मैं देखता हूँ कैसा लगता है मुझे, घी का मैं टेस्ट करता हूँ, फ्लैट टेस्ट है, मगर मुझे लग रहा है घी थोड़ा सा हल्का स्टील टेस्ट आ रहा है इसमें, तो मैं इसको घी में भी करूँगा 6/10। मैंने थोड़ा अपना इंट्रो दिया है आपको और थोड़ा बताया घी के बारे में। दोस्तों घी के बहुत टेस्ट होते हैं, मल्टीपल टेस्ट होते हैं घी के, जब जाके घी को हम उसकी शुद्धता जान सकते हैं, और वो लेबोरेटरी में पॉसिबल है, घर में पॉसिबल नहीं है। घर में हम प्रिलिमिनरी टेस्ट कर लेते हैं घी हमारा शुद्ध है या नहीं। तो दोस्तों ये अगर मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगे
और मेरा ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें और जहां तक ज्यादा हो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड लक, गुड बाय।